सुप्रभात बच्चों, कक्षा सात का विषय संस्कृत लेकर के मैं पुनः प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पहले पाठ चार का कुछ भाग मैंने समझाया था, आज उसी के आगे का भाग मैं पुनः आपको समझाऊंगी। ध्यान दीजिए, अध्याय चार गृह मार्जार कथा, जो एक कहानी है, सारा कहानी चल रही है। इस कहानी से संबंधित अब कुछ आप लोगों को प्रश्न वगैरह दिया गया है, उसी के बारे में मैं भाग छह में समझाऊंगी आप लोगों को। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने अभ्यास से पहला प्रश्न विकलेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए, इसके बारे में हमने समझाया था। दूसरा एक पदे उत्तर, एक पदे उत्तर, दूसरा प्रश्न है एक पदे उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। इसके पहले के वीडियो में कुछ हमने बताया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए अब इस वीडियो में आपको पूरा सुनिए। एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, तुम मित्रेण सह पुत्र अगच्छ, ये प्रश्न है, तुम मित्रों के साथ पुत्र अगच्छ, तुम मित्र के साथ पुत्र अगच्छ कहाँ गए, तुम मित्र के साथ कहाँ गए। जैसा कि पाठ में आप लोगों को बताया गया था कि मित्र के साथ खेल के मैदान में गए, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे क्रीड़ा क्षेत्र कम मित्रेण सह पुत्र अगच्छा, तुम मित्र के साथ कहाँ गए, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे क्रीड़ा क्षेत्र। ऐसा है बच्चों, उसी किताब में डैश डैश करके भरना है आप लोगों को, इसके लिए कॉपी में नहीं, उसी किताब में जगह बना हुआ है लिखने का, वहां आप लोग भरेंगे। तो मित्रेण सह पुत्र अगच्छा, तो मित्रेण सह कहाँ गए, तुम मित्र के साथ कहाँ गए, क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में। दूसरा प्रश्न है, गिद्ध की दिशा आसी, गिद्ध किस प्रकार का था, कैसा था गिद्ध, कैसा था, तो कहानी में आप लोगों ने पढ़ा गिद्ध की दिशा आसी, गिद्ध कैसा था, बूढ़ा था, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे गिद्ध, गिद्ध कैसा था, बूढ़ा था, वृद्ध, वृद्ध माने बूढ़ा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, कस्य वचनम श्रुत्वा गृध्रस्य मनसि विश्वासः जातः, किसकी बातों को सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे मार्जारः, मार्जारः यानी बिलाव, बिलाव की बातों को सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न, खगर शिशुआ पुत्र अवसर, पक्षियों के बच्चे कहाँ रहते थे, तो आप लोग लिखेंगे वृक्षे, वृक्ष पर रहते थे, पक्षियों के बच्चे कहाँ रहते थे, वृक्ष पर रहते थे। अज्ञात कुल सील से कह ना देना, अज्ञात कुल और स्वभाव वाले को क्या नहीं देना चाहिए, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे वासु, ठीक है, वासु ना देना अर्थात आश्रय नहीं देना चाहिए। फिर से देखिए, तो मित्रेण सह पुत्र गच्छा, तो आप लोग भरेंगे क्रीड़ा क्षेत्र, गृध्र की दिशा आसी, गृध कैसा था, तो भरेंगे आप लोग वृद्ध अर्थात बूढ़ा था, कस्य वचनम श्रुत्वा गृध्रस्य मनसि विश्वासः जातः, किसकी किसकी बातों को सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे मार्जारः अर्थात बिलाव, बिलाव की बातों को सुनकर। अगला प्रश्न, पक्षियों के बच्चे पुत्र अवसर कहाँ रहते थे, तो आप लिखेंगे वृक्ष अर्थात वृक्ष पर रहते थे। अज्ञात को सील से कब न दे, अज्ञात कुल और स्वभाव वाले को क्या नहीं देना चाहिए, वासो न देना अर्थात आश्रय नहीं देना चाहिए।
ये आप लोगों का हो गया बच्चों। दूसरा एक पदे में उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब तीसरा देखिए, ये सब आप लोगों को किताब में ही करना है। तीसरा है का स्तंभस्य कर्तृपदय सब खा स्तंभम मेलयत। का स्तंभ के कर्तृपदय अर्थात कर्ता पदों को खा स्तंभ से मिलाइए। इसमें मिलान करने का है, ये हमने देखिए नीचे लिख के बता दिया है। का और खा, का में पहला है अहम, अहम देखिए उत्तम पुरुष का कर्ता है एक वचन का, तो यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। आप अब आप इसमें से देखिएगा कि उत्तम पुरुष की क्रिया एक वचन, एक वचन कहाँ है ये आप लोग देखिएगा। अब देखिए पुस्तकम गृहम अनयम, अनयम ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है भूतकाल की, तो आप यहाँ लगा देंगे अहम को, अहम को रेखा के द्वारा आप इसमें मिला देंगे। ठीक है, अहम पुस्तकम गृहम अनयम, मैं पुस्तक घर ले गया। ठीक है, अब आप देखिए वयम, वयम की उत्तम पुरुष का कर्ता है लेकिन बहुवचन का है। अब आप इसको उत्तम पुरुष क्रिया बहुवचन के साथ मिलाएंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग वयम, अब यहाँ देखिए ये क्रिया आपकी, ये जो क्रिया है अखेलाम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो आप इसको वयम को यहाँ मिलाएंगे। वयम पाद पदके अखेलाम, हम सब फुटबॉल से खेले, हम सब फुटबॉल से खेले, ये उत्तम पुरुष भूतकाल बहुवचन की क्रिया है और कर्ता भी बहुवचन है, तो यहाँ पर आप मिला देंगे। अब देखिए आवाम, आवाम ये उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। ठीक है, तो आप अब इसमें क्रिया ढूंढेंगे कि क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया कहाँ पर है, तो आप पाएंगे ये यहाँ लागू मिला देंगे अवदाव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए उत्तम पुरुष, अब यहाँ पर सब भूतकाल की क्रिया, ज्यादातर भूतकाल की क्रिया यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे पठ धातु का भूतकाल का रूप आप पढ़ेंगे उत्तम पुरुष का, तो अपठम अपठाव अपठाम, इसी तरह से ज्यादातर धातु चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये द्विवचन की क्रिया है उत्तम पुरुष अवधाव, सदा सत्यम अवधाव, आवाम द्विवचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन की आवाम, हम दोनों को सदा, हम दोनों सदा सत्य बोले, आवाम सदा सत्य अवधाव, हम दोनों हमेशा सत्य बोले। अब ध्यान दीजिए, अब ये कर्तात्वम इवाम इवयम, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, अहम आवाम है तो उत्तम पुरुष का कर्ता था, लेकिन त्वम इवाम इवयम ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का ही लगेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो हम एक वचन कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, मध्यम पुरुष एक वचन। तो हम अब आप लाके यहाँ मिला देंगे जले अतरह, तुम जले अतरह, तुम जल में तैरे, यूयम जले अतरत, यूयम यानी तुम सब यूयम बहुवचन है, तो आप यहाँ आ जाएंगे अतरतम, यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर देखिए बच्चों ये हलंत नहीं रहेगा, ये बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, यूयम लेखान अलिखत, तुम सब लेखनी से अर्थात कलम से लिखे, कर्ता यहाँ बहुवचन है तो क्रिया ये बहुवचन की है, अलिखत बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो तुम सब लेखनी से अर्थात कलम से लिखे। अब यहाँ देखिए युवान,
युवाम ये द्विवचन करता है तो क्रिया भी द्विवचन ये है मध्य पुरुष की, तो आप यहाँ मिला देंगे। युवाम जले अतर्तम, तुम दोनों जल में तैरे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए फिर से एक बार। ये अहम को आप मिलाएंगे पुस्तकम गृहम अनयम, वयम बहुवचन है तो यहाँ क्रिया बहुवचन, हम सब फुटबॉल से खेले, आवाम ये द्विवचन करता है तो यहाँ क्रिया द्विवचन आ जाएगी, आवाम सदा सत्यम औदाव, तुम एक वचन मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन यहाँ क्रिया है जले अतरह, तुम जले अतरह, यूयम बहुवचन का करता है तो क्रिया भी ये बहुवचन लगेगी, तुम सब लेखनी से लिखे कलम से लिखे, युवाम तुम दोनों अब यहाँ विवचन करता है जले अतरतम, जले जल में तैरे, तुम सब तुम दोनों जल में तैरे। आज का भाग जो